बच्चों, हम जल्दी जल्दी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करते हैं। सबसे पहले देखो, इसकी वैलेंसी है 4, यानी कि संयोजकता कितनी है? 4। कुल इलेक्ट्रॉन है 6। उसके बाद आ जाओ इसके अपर रूप। इसके अपर रूप हैं बच्चों हीरा और ग्रेफाइट। फिर देखिए कि एकलाबंध में ये क्या बनाता है? एल्केन। द्वियाबंध में एल्कीन। त्रियाबंध में एल्काइन्स। और एक हाइड्रोजन को हम किसी भी प्रक्रियात्मक समूह से भी विस्थापित कर सकते हैं। उनमें इसके नाम हो जाते हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका एक विलयन रूप क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट, बेंजीन। अब आते हैं हम अपनी एल्केन श्रृंखला पर। एल्केन श्रृंखला का पहला सदस्य है मीथेन, दूसरा ईथेन, तीसरा प्रोपेन, उसके बाद ब्यूटेन, उसके बाद पेंटेन, फिर हेक्सेन। और यहाँ पर आपने ये इसी क्रम में इस श्रृंखला को याद करना है। उसके बाद आ जाओ द्वियाबंध वाली हमारी जो सीरीज है उस पे। उसका नाम है एल्कीन श्रृंखला। जनरल फॉर्मूला है CnH2n। सबसे पहला सदस्य ईथीन, उसके बाद प्रोपीन, उसके बाद ब्यूटीन, फिर 5 कार्बन के साथ पेंटीन और 6 के साथ हेक्सीन। और लास्ट में फिर है हमारी त्रियाबंध वाली श्रृंखला, जो कि है एल्काइन श्रृंखला। जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। पहला सदस्य इथाइन, दूसरा प्रोपाइन, तीसरा ब्यूटाइन, चौथा पेंटाइन, पांचवा हेक्साइन। थैंक यू।